अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो वीडियो का टाइटल देख के वीडियो का आपको अंदाजा तो हो गया होगा, वीडियो है ड्रेस डिजाइनिंग के ऊपर, लेकिन आपने ए टू जेड कम्प्लीट वीडियो देखनी है ताकि कोई भी चीज मिसप्लेस ना हो। और अगर कुछ ना समझे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं क्या है क्या नहीं। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाएं इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, अकाउंट का नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक भी मिल जाएगा। कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं ज्यादा एक्टिव रहती हूँ तो वहां पर सवालों के जवाब थोड़ी जल्दी दे सकती हूँ। तो चले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जी। तो सबसे पहले है ये ड्रेस जो कि है लॉन का, और ये सबीन लॉन का है वन पीस, ठीक है। और ये मुझे 800 रुपए में मिला था और मैंने इसको वन पीस को लेके ही शलवार और जो है वो कमीज सिलवाई थी। इसके साथ कोई और शर्ट थी लेकिन मैंने वो नहीं ली क्योंकि मुझे इस तरह का ही ड्रेस सिलवाना था, मतलब वन पीस। और ये है इसका गला, आप चेक कर लें, इस तरह से बनाया गया है। और इसमें मैंने कहा था पर्पल मोती लेकिन उन्हें नहीं मिले टेलर को, तो उन्होंने ग्रीन मोती लगा दिए। बस फ्रंट पे इस तरह से डिजाइनिंग करवाई है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट शर्ट है, नीचे कुछ भी नहीं लगवाया। और उसके बाद ये है स्लीव्स जिसके ऊपर डलवाई हैं हमने प्लेट्स। इतनी नज़र नहीं आ रही क्योंकि कपड़ा जो है वो डार्क कलर में है, लाइट कलर में जो है वो ज़्यादा इनहेंस होती है। इस तरह से मैंने एक दो तीन प्लेट्स डलवाई हैं और ऊपर से बाजू बिल्कुल सिंपल है एंड दूसरी बाजू भी सेम ऐसे। आप चाहें तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद है इसका ट्राउज़र जो कि अगेन मैंने तीन प्लेट्स डलवाई हैं, फिर तीन फिंगर का गैप छोड़ा है और फिर तीन प्लेट्स डलवाई हैं एंड डेट्स इट। आप चाहें तो तीन और डलवा सकते हैं लेकिन मुझे इतनी ही चाहिए थी। ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और ऊपर से इसको मैंने पेंट स्टाइल में रखवाया है, मैं सारे ट्राउजर्स पेंट स्टाइल में रखवाती हूँ। यहाँ से रबर डलवा के और यहाँ से गैप छोड़ देती हूँ, इससे बहुत अच्छी लुक आती है और आपके पजामे जो हैं वो ऊपर की तरफ उठते भी नहीं हैं। आप चाहें तो इस तरह से सिलवा सकते हैं, ट्राई करें, आपको इस तरह से ट्राउजर बहुत अच्छे लगेंगे, आपका टेलर या आपकी दर्जन जो है वो सी देगी। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये लें, ये इसका गला एंड ये इसकी स्लीव्स, ठीक हो गया। अब चलते हैं सेकंड ड्रेस के ऊपर। अच्छा जी, तो ये मैंने पहन लिया, इस तरह से है, बहुत ही अच्छा लगता है ये गला पहना हुआ, बहुत ही जबरदस्त लगता है। और ये इसकी बाजू की प्लेट्स, आप चाहें तो इसके साथ कोई भी शिफॉन का दुपट्टा पर्पल कलर में कैरी कर सकते हैं, मैंने अभी तक लिया नहीं तो इसलिए मैंने अभी भी नहीं लिया। अच्छा जी, तो ये रहा सेकंड ड्रेस, ये भी अगेन सबीन लॉन का है, टू पीस है ये, ठीक है। ये इसका शर्ट है और ये इसका ट्राउजर है। तो पहले इसके ट्राउजर की बात कर लेते हैं। इस तरह से इसका ट्राउजर है जो कि बिल्कुल सिंपल है। इसके नीचे मैंने ये शर्ट की ही इस तरह के तीन पट्टियां अटैच करवा ली हैं क्योंकि प्लेन ट्राउजर जो है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इस तरह से थोड़ी सी डिजाइनिंग करवा ली। अगर आप चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं ताकि किसी और सूट पे चला जाए। अगर आप सिंपल नहीं रखना चाहते तो इस तरह से ट्राउजर सिलवा सकते हैं, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, ठीक हो गया। और ये इसकी शर्ट का, एक यहाँ पे रेड कपड़ा लगवाया, एक ब्लैक, और इस तरह से वी टाइप बैंड बनवाई है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लें, आपका टेलर बना देगा। ये इसकी स्लीव्स हैं, यहाँ पे ऊपर भी प्लेट डलवाई है तीन और नीचे भी तीन प्लेट, और बीच में इस तरह से कपड़ा लगवा के शलवार का ही जिगजैग डिजाइन बनाया है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लें, आपका टेलर इजीली सी देगा। और उसके बाद यहाँ पे जो है वो ओपन स्टाइल में शर्ट बनवाई है लेकिन नीचे से खुलवाई नहीं है, बंदी, और इसमें मैंने ये तीन मोती बटन ऐड करवाए, सॉरी 6 बटन लगवाए हैं मैंने। और आप अगर आप चाहें तो ज़्यादा बटन भी लगवा सकते हैं लेकिन मुझे इरिटेट करते हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ 6 बटन लगवाए हैं। ऊपर से वी स्टाइल में शर्ट बनवाई है, उसके बाद आ जाते हैं नीचे, और इस तरह से मैंने नीचे भी कपड़ा अटैच करवाया है। ब्लैक कपड़ा ख़त्म हो गया था, अगर आप ऐड करवाना चाहें तो थोड़ा इतना आप दो फिंगर्स का ब्लैक कर लें और दो का रेड तो बहुत अच्छा लगेगा। रेड के ऊपर रेड अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन मैंने कहा चलें खैर कोई नहीं, अब तो सिल गया। आप चाहें तो इसके साथ दो जो है वो फिंगर का ब्लैक कपड़ा भी ऐड करवा लें तो बहुत अच्छा लगेगा। ये रहा कंप्लीट ड्रेस का डिज़ाइन, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। और घर पर इतने सारे दुपट्टे पड़े होते हैं, लॉन के ड्रेस के साथ कोई भी दुपट्टा चल जाता है। ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं गले का तो ले लें। ये इसकी बाजू, ठीक हो गया जी। अब चलते हैं सेकंड ड्रेस के ऊपर।
अच्छा जी, तो ये पहन के भी मैंने आपको दिखा दिया जो कि बहुत ही हसीन लग रहा है। ये पहना हुआ भी सबको बहुत अच्छा लग रहा था और ऐसे भी ये बहुत प्यारा लग रहा है। इसके साथ कोई भी रेड ब्लैक दुपट्टा आप कैरी कर सकते हैं, चाहे तो व्हाइट और चाहे तो मल्टी दुपट्टा भी कैरी कर सकते हैं, जो कि बहुत प्यारा लगेगा। आप इसके साथ खुद से पहनेंगे तो वो और भी ज़्यादा इस ड्रेस को जो है वो अच्छी लुक दे देंगे। और आई होप सो कि जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस थे इस ड्रेस को लेके वो क्लियर हो गए होंगे। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट आउटफिट की तरफ। तो उसके बाद है ये वाला ड्रेस जो कि गुलामत की स्टिच अनस्टिच कलेक्शन में से लिया था, लेटेस्ट कलेक्शन में से। ये फुल सूट एम्ब्रॉयडरी है और यहाँ पे इसके पैच लगा हुआ है जो कि अटैच करवा लिया। इसको बिल्कुल सिंपल बनवाया है गोल गले के साथ और इसकी बाजू के साथ जो पैच था वो इसके ट्राउजर पे लगवा दिया है, क्योंकि ऑलरेडी इसकी शर्ट के ऊपर बहुत कढ़ाई है और यहाँ भी बहुत कढ़ाई है बॉर्डर और जो है शर्ट दोनों के ऊपर है। तो मैंने बाजू को बिल्कुल सिंपल रखवाया है और इस तरह की येलो पाइपिंग जो है वो करवा ली है, ताकि थोड़ी सी जो है वो ड्रेस के अंदर अट्रैक्शन आ जाए। आप भी कोई शॉक कलर की, अगर आपके पास ड्रेस बिल्कुल सिंपल है तो कोई शॉक कलर की पाइपिंग करवा ले तो ड्रेस बहुत अच्छा लगने लग जाता है जी। और उसके बाद इस तरह से है, ये दुपट्टा भी बिल्कुल प्लेन है। शर्ट पे इस तरह से पैच अटैच करवाया है, यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी है और जो बाजू का पैच था वो मैंने ट्राउजर पे अटैच करवा लिया है। और अगर यही पैच बाजू पे लगा होता तो आप देखें बिल्कुल अच्छा नहीं लगना था, बिल्कुल घुल मिल जाना था। अगर आपके ड्रेस के साथ भी इस तरह से कोई पैच आते हैं तो आप अपने ट्राउजर पे अटैच करवा लें तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और जितना पैच था उतना ही ट्राउजर रखवाया है, ये नहीं कि पैच को मैंने इतना कर दिया है, नहीं, जितना पैच था उतना ही ट्राउजर रखवाया है। ये है कम्प्लीट ड्रेस। ट्राउज़र इसी तरह से होते हैं कि प्लेन कपड़ा छुड़वा देती हूँ ताकि पेंट स्टाइल के लुक आ जाए और ट्राउज़र जो है वो ऊपर की तरफ उठे भी नहीं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, और अगर आपके पास कोई भी ड्रेस है जिसके साथ पैच मिला है तो आप उसकी ट्राउज़र पे अटैच करवा लें तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक हो गया, मूव ऑन करते हैं सेकेंड ड्रेस के ऊपर। अच्छा जी, तो ये है सिंपल सा ड्रेस, ठीक है, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। इसके साथ आप कोई भी एक अच्छा सा हैंडबैग कैरी कर लें और इसके साथ हील पहन लें तो ये ड्रेस बहुत ही अच्छा लगेगा। मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रेस है, ट्राउज़रों के थोड़ा सा ऊपर कर लें और कोई भी हाई हील्स पहन लें इसके साथ और अच्छा सा बैग कैरी कर लें, आपकी लुक बहुत अच्छी लगेगी। क्योंकि ये बहुत सिंपल है, इस पर कुछ भी नहीं करवाया तो आप इसको इस तरह से कैरी कर सकते हैं। ठीक हो गया, जब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट आउटफिट की तरफ। अच्छा जी, तो उसके बाद है ये अनस्टिच शर्ट थी अलकरम की, ठीक है, फुल एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और इसकी जितनी एम्ब्रॉयडरी थी वो मैंने सारी अटैच करवाई है और इसकी लेंथ लंबी रखवाई है। वैसे मेरी शर्ट्स जो हैं वो शॉर्ट्स होती हैं लेकिन इसको मैंने लंबा रखवाया है क्योंकि ये अच्छी लगेगी, क्योंकि नीचे फुल एम्ब्रॉयडरी है। ट्राउज़र इसका बिल्कुल मैंने सिंपल रखवाया है, इस शर्ट के साथ बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र रखवाया है क्योंकि शर्ट पे यहाँ ऑलरेडी बहुत काम है, अगर ट्राउज़र पे कुछ करवाती तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगना था। तो ट्राउज़र बिल्कुल जो है वो पैंट स्टाइल में छोटा रखवाया है और बिल्कुल सिंपल है। और इस तरह से ये शर्ट है, नीचे इस तरह से ये जिस तरह एम्ब्रॉयडरी आ रही थी उस तरह ही उसने शर्ट को सी दिया, इस तरह कटा कटा जो बने होते हैं। ठीक हो गया जी, नीचे से तो कुछ दिखाने वाला है नहीं, ऊपर से भी बिल्कुल बेगला बनवाया है। गोल गला और बेगले में फ़र्क होता है क्योंकि आगे पीछे दोनों से एक जितना होता है और जो गोल गला होता है वो आगे से जो है वो छोटा होता है और पीछे से थोड़ा बड़ा होता है। और इसकी स्लीव्स मैंने इस तरह से रखवाई हैं और यहाँ पे जो है वो प्लेट्स दिलवाई, ये थोड़ी सी फूली फूली लगती हैं जब आप पहनेंगे। और इसको मैंने क्वार्टर रखवाया है, हाफ, मेरी सारी शर्ट्स की स्लीव फुल होती हैं लेकिन इसको मैंने क्वार्टर स्लीव्स रखवाई हैं क्योंकि बहुत अच्छी हैं और ये आजकल बहुत स्टाइल में है। इस तरह से है, उसने इसको थोड़ा सा लूज कर दिया है, मैं थोड़ा और टाइट करवाऊंगी, अल्टरनेट करवाऊंगी। वीडियो बनानी थी तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ये मैं आपको पहन के दिखाऊंगी तो आपको इसका सही से पता चलेगा ये फूली हुई जो लुक आती है, वरना इस तरह से अगर आप प्लेट दिखाएंगे अपने टेलर को तो वो आपको सेम इसी तरह की स्टिच कर देगा और इसी तरह से आपकी लुक आ जाएगी। अगर आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, क्योंकि शर्ट बिल्कुल प्लेन थी और सिर्फ बॉर्डर पे ही काम था तो मैंने सोचा थोड़ी सी इसको अट्रैक्ट किया जाए तो इस तरह से मैंने बाजू करवा ली ताकि अच्छी लगे। तो चलिए मूव ऑन करते हैं सेकंड ड्रेस के ऊपर। अच्छा जी, तो ये रहा आउटफिट और इसकी बाजू आप देखिए यहाँ से काफ़ी खुली हैं तो मुझे इसको जो है वो टाइट करवाना है और फिर इस बाजू की सही से लुक आएगी। और इसने थोड़ी सी लंबी रख दी है, मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर करवाऊँगी। ठीक हो गया जी, और इसको थोड़ा टाइट करवाऊँगी, देखिए काफ़ी उसने लूज़ कर दिए। तो आज मैंने वीडियो बनाई थी, सोचा आप लोगों को दिखा दूँ और बाद में टेलर के जाके अल्टरनेट करवा लूँगी। और इसके साथ भी हाई हील्स पहनूँगी, हैवी ज्वेलरी पहनूँगी, बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि इसकी गला बिल्कुल प्लेन है। इसके साथ एक अच्छा सा स्टेटमेंट नेक पीस पहनूँगी और वो बड़े वाले इयररिंग्स पहनूँगी जो दिखाए थे। तो ये लुक
ड्रेस की बहुत अच्छी लगेगी। इस तरह के समर्स में इस तरह के कलर्स ड्रेस बहुत अच्छे लगते हैं। अब मूव ऑन करते हैं जी नेक्स्ट आउटफिट की तरफ। अच्छा जी, तो उसके बाद है ये ग्रीन शर्ट जो कि मैंने जलबरी से ली थी। वन पीस था ये, मतलब शर्ट थी खाली और इसके साथ मैंने ये शलवार पेयर की है। बिल्कुल सादा रखवाया है, कुछ भी नहीं करवाया मैंने और इसको गोल घेरे वाली जो कहते हैं वो करवाई है। गोल घेरा ही कहते हैं ना, या पता नहीं क्या कहते हैं। इस तरह से गोल वाली सिलवाई है, जो शॉर्ट कमीज होती है और उसके साथ जो है वो पटियाला शलवार होती है, वही समझ लें। और इस तरह से मैंने स्किन पाइपिंग करवा दी ताकि सूट थोड़ा सा अट्रैक्ट करे। इसका भी सेम बेगला बनाया और यहाँ पे थोड़ा सा वी लगवा दिया। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 3 या 4 बटन भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए थे तो मैंने नहीं किए। ये इस तरह से सिंपल सा इसका गला है। आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। और इस तरह से ये शर्ट है, ठीक हो गया। बाजू भी अगेन बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करवाया, ठीक है। और इस तरह से ये शलवार है जो मैं एथेनिक से लेके आई थी, गुड़िया वाली शलवार कहते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्लेट्स नहीं है, चुन्नट नहीं है, सिर्फ यहाँ पे चुन्नट है, ठीक है। इस तरह से है, इसको भी मैंने थोड़ा अल्टरनेट करवाया क्योंकि मैं बड़ा साइज ले आई थी। बस यहाँ पे चुन्नट डलवानी है आपने। आप अपने टेलर को दिखाएंगे तो वो समझ जाएगा कि यहाँ से बिल्कुल प्लेन सिर्फ यहाँ पे चुन्नट आएगी, ठीक हो गया। ऊपर से भी मैं आपको दिखा देती हूँ, पहले आप स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लें, ठीक है। ऊपर से यहाँ पे जो है वो बेल्ट डला हुआ है और ऊपर से बिल्कुल प्लेन है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने प्लेट्स डलवाए हैं, गुम प्लेट जो होते हैं, ताकि मुझे सलवार जो है वो थोड़ी सेट बैठ जाए। लेकिन अभी भी थोड़ी सी इसमें मसला है तो वो भी मैं अल्टरनेट करवा लूंगी। ये था मेरा लास्ट ड्रेस और अब मैं आपको वन बाय वन सारे पहन के दिखा देती हूँ। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। अगर आपके पास कोई भी प्रिंटेड शर्ट है उसको शलवार के साथ सिलवा लें, ट्रस्ट मी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगेगा। अच्छा जी, तो ये भी मुझे ड्रेस बहुत बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा है मैं इस तरह की और कपड़े सिलवाऊंगी इस शलवार के साथ, और एक दो शर्ट्स लूंगी। शलवार भी मुझे बहुत पसंद आई और इस तरह की शर्ट्स भी बहुत अच्छी लगती हैं। आप इसके साथ खुद से पहनेंगे तो और ज़्यादा अच्छी लुक आएगी। इसका गला भी बहुत नफीस और बहुत साफ़ सुथरा डिज़ाइन किया हुआ है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये इसकी बाजू का डिज़ाइन और पाइपिंग ने इस ड्रेस को और खूबसूरत बना दिया। शलवार मुझे बहुत पसंद आई तो इस तरह से मैं और भी आउटफिट बनाऊँगी। और बस ये था आज का लास्ट आउटफिट। अच्छा जी, तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद है तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। ये हालत है, गर्मी से बहुत पसीना आ रहा है, सब कुछ करना पड़ता है बिकॉज ऑफ कॉन्टेंट, बिकॉज ऑफ यू गाइज। सो प्लीज़ वीडियो पसंद है तो मेक श्योर लाइक करिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।